भारतवर्ष मेले और सांस्कृतिक आयोजनों का देश रहा है। मेले किसी भी समाज में न सिर्फ लोगों के मिलन के अवसर को पैदा करते हैं, बल्कि रोजमर्रा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थल और विचारों के साथ साथ रचनाओं के भी समस्थल होते हैं। पर्वतीय समाज के मेले का स्वरूप भी अपने आप में आकर्षण का केंद्र रहा है। उत्तराखंड में मेले संस्कृति और विचारों के मिलन का स्थल रहे हैं। यहाँ के प्रसिद्ध मेलों में एक पौराणिक मेला बैसाखी का मेला भी है, जो कि अब धीरे धीरे अपनी पहचान खोता जा रहा है। आज बैसाखी के दिन हर वर्ष लगने वाले इस मेले में बाजार सोने से नजर आ रहे हैं। यूं तो उत्तराखंड के विभिन्न जगहों पर हर साल मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन हर साल चमोली जिले के कर्णप्रयाग में लगने वाला बिखोती का मेला एक पौराणिक मेला रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पौराणिक समय में बैसाखी के दिन लोग दूर दूर से इस बिखोती के मेले में आकर सर्वप्रथम सुबह 4 बजे कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदी के संगम पर स्नान करते थे। साथ ही यहाँ पर मंदिर में झुमेलो और चौपला भी खेलते थे, जिसके बाद कर्णप्रयाग के बाजार में भव्य मेले का आयोजन किया जाता था। सालों से ध्यानियां, माँ और बेटियां दूर दूर से आकर कर्णप्रयाग के इस बिखोती के मेले में मिलती थी और जरूरत की चीजों की खरीदारी भी किया करती थी, जिसके बाद धीरे धीरे ये मेला पूरे उत्तराखंड में एक विशेष पहचान बनाने लगा था। लेकिन वर्तमान की आधुनिकता के दौर में पलायन से खाली होते पहाड़ अब यहाँ पर अपना असर भी छोड़ रहे हैं। आज बिखोती के मेले के अवसर पर यहाँ के बाजार सूने नजर आने लगे और कर्णप्रयाग के संगम स्थल पर जो स्नान काफी महत्वपूर्ण हुआ करता था, वहाँ पर आज एक भी व्यक्ति स्नान करता हुआ नजर नहीं आता। जबकि सरकार के द्वारा करोड़ों का खर्च कर संगम घाटों को भव्य भी बना दिया गया, बावजूद इसके अभी तक यहाँ पर कोई भी चहल पहल नजर नहीं आ रही। गांव में इतनी सड़कें नहीं थी, लोग बागों की एक खरीदारी का एक माध्यम मेला होता था, मिलने जुलने का एक माध्यम मेला होता था। तो सुबह गंगा किनारे लोगों की भीड़ लग जाती थी बैसाखी मेले में स्नान के लिए। उसके बाद मंदिर दर्शन, बाजार में खरीदारी, अपना पौराणिक उमा देवी का जो मंदिर है कर्णप्रयाग में, तो रात को यहाँ लकड़ी का अलाव जलाते थे। आज के समय में न तो वो पौराणिक परिवेश रह गया है, वो वेशभूषा रह गई है, और न मेलों का वो स्वरूप रह गया। मैं ये अपने जीवन में लंबे समय से देखते आ रहा हूँ कि पहले मेले का स्वरूप क्या था, कितनी भीड़ हुआ करती थी, लोग आस्था से संगम पे आते थे, डुबकियाँ लगाते थे, रात भर जाते थे, इतनी संस्कृति थी उसका कार्य करते थे। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि मेले का क्या स्वरूप हो गया है, बाजार सजा हुआ है लेकिन आदमी नहीं, इसका एकमात्र कारण पलायन। सालों से कर्णप्रयाग के इस मेले में रिंगाल की कंडी बनाकर कर्णप्रयाग से करीब 70 किलोमीटर की दूरी पर पोखरी के दूरस्थ गांव से आने वाले सुरेंद्र लाल बताते हैं कि पुराने दौर में कर्णप्रयाग के इस मेले में उनके पूर्वज इस मेले में कंडी बेचने के लिए आते थे और अब करीब 20 सालों के बाद इस मेले में रिंगाल की कंडी बेचने के लिए वो आते हैं। मगर कर्णप्रयाग के बिखोती मेले के घटते स्वरूप के कारण और मेले में भीड़ न होने के कारण उनकी कंडियां भी नहीं बिक पा रही हैं। हमारे पूर्वज करते थे इस काम को और पोखरी से कर्णप्रयाग आए हैं और पहाड़ से लोग प्लान हो चुके हैं, खेती कुछ था नहीं और हम इस रिंगाल का काम को कर रहे हैं सर। लेकिन यहाँ पे जो है पहले से मेला चलता था, लेकिन अब मेले में लोग आ नहीं रहे हैं, इसलिए हमारा काम ठप हो गया है। कर्णप्रयाग के इस बिखोती मेले के घटते स्वरूप के कारण कुछ इसी प्रकार की पीड़ा मुरादाबाद से चूड़ी की दुकान लगाने आए इरफान और बिजनौर से आए महेंद्र की भी है। हम यहाँ 25 सालों से आते हैं, लेकिन अब यहाँ पर भीड़ भाड़ कम होने लगी, यहाँ पे प्लान होने लग गया, यहाँ पर पब्लिक ही नहीं दिखाई देती, हमारी इनकम बहुत कम। पहले तो मेले में बहुत भीड़ रहती थी, अब कोई भीड़ नहीं रहती, सब लोग प्लान कर गए, तो इसलिए मेले तो खत्म ही समझो। मेले में हमारी संस्कृति और परंपरा की झलक देखने को मिलती है, बदलते आधुनिकता के दौर में ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में पहाड़ों से दिनों दिन हो रहा पलायन और मोबाइल इंटरनेट टीवी इसका महत्वपूर्ण कारण है। मेलों का घटता स्वरूप एक चिंता का विषय है, सरकारों को इस पर भी कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। संवाद 365 के लिए चमोली से पुष्कर नेगी की रिपोर्ट।